और ये सामने रामलीला की झांकी आती हुई, बहुत सालों बाद अपने बर्थ प्लेस पे, मेरा बर्थ इसी सेक्टर में हुआ था, सेक्टर 7 चंडीगढ़ में। नाभि में जब तक अमृत कुंड का नाश नहीं होगा, इस राण का विनाश नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है 24 अक्टूबर, दशहरा। तो सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्योंकि छुट्टी थी आज तो मैं भी लेट उठाऊँ, रात को लेट सोए थे। एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मम्मी का हालचाल पूछते हैं, फिर थोड़ा घर में भी साफ सफाई करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और साथ ही आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ का दशहरा। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी ख़राब है, तो अभी तो रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी मम्मी तबीयत ठीक है? दवाई ली? दवाई ली, ले ली है। अच्छा चलो आप रेस्ट करो, ठीक है। मैं और लकी कर रहे हैं भैया, रेस्ट करो आप। फाइनली अभी नहा धो के मैं बढ़िया फ्रेश हो चुका हूँ। मतलब मैं 9:15 बजे मैंने काम कुम शुरू करा होगा घर का, मतलब काम करते करते अभी आप देखेंगे तो टाइम मेरे पीछे शायद दिख रहा हो आपको, ये 2:20 हो गए हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम लगा यार, बहुत ज़्यादा काम था, झाड़ू पोछा, साफ सफाइयाँ, 4-5 तो पंखे साफ करे, भले आपको वीडियो में एक ही दिखाओ बट मैंने दिखाया भी नहीं ज़्यादा, 4-5 तो पंखे साफ करे, फिर कार वॉश करी अच्छे से, कपड़े कपड़े धोए, इसी में काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच भी है, तो बस अभी लंच करते हैं, साथ साथ मैच देखते हैं और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, शाम को आपको दिखाएंगे दशहरा। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। तो बस अभी फटाफट से लंच कर लेते हैं, ऑलरेडी मेरा आधे घंटे का 35 मिनट का मैच तो निकल चुका है, बस एक बार फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर आराम से विदाउट डिस्टर्बेंस मैच देखेंगे। तो मम्मी वैसे काफ़ी बीमार थे आज, फिर भी देखो मम्मी ने खाना बना दिया, एक बार दिखाता हूँ आपको क्या बनाया। ये देखिए आप, ये दाल चावल, एक काली पीली दाल है, वैसे मेरे को पता नहीं किस चीज़ की, शायद मम्मी कह रहे थे कुछ छिलका छोले ऐसा कुछ दाल है, काली पीली, और तोरी की सब्जी है, दही है, और मेरी फेवरेट हरी मिर्च। अब फटाफट से खाना खाते हैं और फिर आराम से मैच देखते हैं, और शाम को आपको दिखाएंगे दशहरा, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि मैच देखते देखते टाइम का ध्यान ही नहीं दिया, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और 5:30 हो चुके हैं इस टाइम, और दशहरा के लिए जाना था, लेट हो गया, एक्चुअली सोचा था 4:30 निकलेंगे बट 5:30 हो गए, बट चलो देखते हैं और दिखाते हैं आपको सेक्टर 7 चंडीगढ़ का दशहरा। अभी सेक्टर 9 की लाइट्स में पहुंच गए हैं। एक्चुअली मैच इतना इंटरेस्टिंग था डीकॉक की, इतनी मतलब अच्छी पारी डीकॉक खेल रहे, अभी भी खेल रहा है डीकॉक, जब हम निकले घर से तो 100+ 130 के स्कोर पे वो खेल रहा था। तो मैच देखते देखते टाइम का पता ही नहीं लगा, तो थोड़ा सा लेट हो गए बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी टाइम पर पहुंच ही जाएंगे। थोड़े से डायलॉग वगैरह हो सकता है मिस हो जाए रावण के, लक्ष्मण के, राम जी के, बट फिर भी दशहरा दिखाएंगे आपको, बहुत बढ़िया दशहरा होता है सेक्टर 7 का, और आज काफ़ी सालों के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ। और ये सामने रामलीला की झांकी आती हुई, बहुत सालों बाद अपने बर्थ प्लेस पे, मेरा बर्थ इसी सेक्टर में हुआ था, सेक्टर 7 चंडीगढ़ में, और काफ़ी सालों बाद ये देख रहा हूँ, बड़े ही सालों, आप देखिए सीन कितना बढ़िया, ये झांकी आती हुई। बहुत बढ़िया लग रहा है, वाह यार, बहुत सालों बाद ये देखा सीन, राम लगा सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है।
जय श्री राम, जय श्री राम। अब कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ फिट करना पड़ेगा कि इनके साथ अंदर निकल जाऊं। एक्चुअली अंदर जाने के लिए पासिस हैं और मैं चाहता हूं कि फ्रंट से आपको इशारा दिखाऊं। देखिए ये यहाँ डायलॉग मार रहे हैं रावण के, तो मुझे यहाँ पर जुगाड़ बन गया अंदर आने का। मैं फ्रंट से आ गया, अब दिखाता हूँ चलूंगा जिस जमी पर भूचाल वहां आएगा, जमी को एक तरफ आसमां भी कांप जाएगा। मुझे सिर्फ काल हूं मैं, तू क्या मेरी ताल लाएगा, भस्म हो जाएगा जो भी नजरे मुझसे मिलाएगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। अब कैलाश के ऊपर बनाएंगे नया वैकुंठ, हम आकाश के ऊपर खर्च खर्च गंगा का जल होगा हमारा ही चरण धोने में, हमारा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। अभिमान नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। तलवार में चलती है मेरी, सोचू तुझे किस शान से मारू, जख्मी करूं जिंदा छोड़ू या जान से मारू। नाभि में जब तक अमृत कुंड का नाश नहीं होगा, इस राण का विनाश नहीं होगा। तो फाइनली लास्ट में रावण का पुतला जल रहा है। लाइव देख रहे थे आप और आज के एपिसोड को देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पर आप नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी के पेज पर देख सकते हैं। आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। रावण के पुत्र अग्निदेव का
चुकी है, काफी जहरीला था रावण, इसी तरह से उनके पुतले में से तो लास्ट में रावण का ही पुतला जल गया। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब दिशारा देख लिया, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना क्लियरली एकदम सामने से आगे से देख पाऊंगा, बट जैसा कि मैंने बताया था मेरा बर्थ सेक्टर है सेक्टर 7, तो उम्मीद थी कोई ना कोई मिल जाएगा, तो आज मिला यहाँ पे दीपू। दीपू ने सारा मतलब दिखा दिया यार, थैंक यू सो मच भाई। ओ यार ऐसा भी बात, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीपू अभी हमने पूरा दिशारा अच्छे से देखा, बिल्कुल ऐसे घूम रहा था मंदिर जैसे मैं भी वहाँ का मेंबर हूँ, तो अच्छे से दिखा पाया आपको, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। ओहो तो हमारा देखो अभी हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, अभी जस्ट हम तीनों खड़े ही थे तो बात करते करते एक हमारा एक और बड़ा भाई मिस्टर कुलदीप सिंह राणा जी यहाँ दर्शन देते हुए हमें। और भाई कुलदीप क्या हाल है? और ये छोटा कुलदीप और ये इसकी बेटी गुड़िया। और भाई ठीक है हालचाल, कैसा लगा दिशारा छोटू, कैसा लगा? बढ़िया, गुड गुड गुड। हेलो कर दो बच्चे, दिशारा कैसा लगा? अच्छा लगा, चलो 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 घर जाओ, जलेबी लेते हैं गरम गरम, बढ़िया गरम गरम जलेबी बन रही है, पकोड़े बोल दिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपने देखा सेक्टर 7 चंडीगढ़ का दिशारा, तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं अंदर जा भी पाऊंगा, अंदर पासेज वगैरह अलाउड थे जो कि मेरे पास नहीं थे, बट वहां मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया है तो उसने अच्छे से अंदर मेरे को एंटर भी करवा दिया, और साथ ही मैं दिशारे को बहुत अच्छे से शूट कर पाया, आप सबको दिखा पाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सेक्टर 7 का दिशारा आपने अच्छे से देखा हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी जैसे ही वहाँ से फ्री होकर मैं घर तक आया, घर पहुँचा तो रास्ते में मुझे जलेबी पकौड़े दिखे, तो मैं कह रहा चलो ये भी ले लें सेलिब्रेशन करें दशहरे की। तो अभी दिखाता हूँ आपको, तो ये मैं जलेबी पकौड़े लेके आया था, अभी अपने प्लेट में डाल लिए, बस अभी शुरू करूँगा। तो बस अब अपनी वीडियो को आज यही खत्म करते हैं, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।